यहाँ पर लाखों की संख्या में आवाम ने वहाँ आकर श्री मुख्तार अब्बास नकवी जी ने एक बड़ा मंच सजा रखा था। शहीद टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर भी ज़ियारत करी। संबंधित विभाग अधिकारियों के साथ भी मीटिंग हुई। डिप्टी चीफ मिनिस्टर से भी आज हमारी मुलाकात हुई है। हज़रत तवक्कल शाह मस्तान दरगाह पर हाज़िरी दी है मैंने। मुल्क में अमन, चैन, भाईचारा और खुशहाली और मोहब्बत का पैगाम जो यहाँ से दिया जा रहा है, उसी की दुआ करने के लिए मैं यहाँ आया। प्रेस प्रोग्राम के लिए क्या मीटिंग तय हुई है, क्या उसके बारे में थोड़ा बताएं? देखिए, मैं दो दिन से अल्पसंख्यक आयोग की दृष्टि से कर्नाटका के दौरे पर हूँ और अभी कल तक रहूँगा यहाँ। इस दौरान मैंने मैसूर के हुनर हाट भी जाना हुआ, जहाँ पर लाखों की संख्या में आवाम ने वहाँ आकर उस हुनर हाट की रौनक बढ़ाई है। और देश के कोने कोने से आए हुए गंगा जमुनी तहजीब, एक भारत श्रेष्ठ भारत और वोकल के लिए सबसे ज़्यादा लोकल होने वाला जो काम वहाँ पर करा है, अल्पसंख्यक मंत्री श्री मुख्तार अब्बास नकवी जी ने एक बड़ा मंच सजा रखा था और हर हुनर के हाथ के कारीगर को रोज़गार मिल रहा था। उसके बाद मैंने शहीद टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर भी ज़ियारत करी और आज सुबह से हमारा यहाँ पर चल रहा है, एक ओल्ड एज होम पर भी जाना हुआ सीनियर सिटीज़न का। उसके बाद हमारी संबंधित विभाग अधिकारियों के साथ भी मीटिंग हुई। डिप्टी चीफ मिनिस्टर से भी आज हमारी मुलाकात हुई है और बोर्डों के ऑफिसर्स के साथ और चेयरमैन्स के साथ सबके साथ मुलाकात हुई है। संवाद चल रहा है और अभी रात के वक्त में हज़रत तवक्कल शाह मस्तान शाह रहमतुल्लाह अलैह की इस दरगाह पर हाज़िरी दी है मैंने। मुल्क में अमन, चैन, भाईचारा और खुशहाली और मोहब्बत का पैगाम जो यहाँ से दिया जा रहा है, उसी की दुआ करने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। हमने क्या समीक्षा करी, कैसे समीक्षा करी, वो सब कल प्रेस वार्ता में हम बताएंगे। लेकिन केवल इतना कहना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो सबका साथ सबका विकास 2014 से 2019 तक चल रहा था और 2019 में सबका विश्वास जीतने की जो बात हुई है, उसी कड़ी में मैं कर्नाटका हूँ और उस विश्वास को अर्जित करने के लिए आज तवक्कल हज़रत तवक्कल मस्तान शाह के दरगाह पर आया हूँ। उम्मीद करता हूँ यहाँ से अमन और भाईचारे का पैगाम पूरे मुल्क में जाएगा। सर, यहाँ पे फिलहाल माइनॉरिटीज़ का इशू ज़्यादा चल रहा है कि माइनॉरिटीज़ के जो भी स्कीम थे वो कई सारे स्कीम्स होल्ड कर दिए हैं, कई सारे स्कीम्स बंद कर दिए हैं। कल बात करेंगे इन सब इश्यूज पर, कल बात करेंगे, 12:20 पे हमारी ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस है, कल इन सब इश्यूज पर बात करेंगे।